कॉमेडियन कपिल शर्मा आजकल कई वजहों के कारण सुर्खियों में आए हुए हैं, खासकर अपने आने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शो आई एम नॉट डन येट के चलते। 28 जनवरी को कपिल शर्मा के स्टैंड अप कॉमेडी शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। फैंस इस शो के छोटे छोटे क्लिप्स देखकर भी काफी एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और इस शो के जरिए वो ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। हाल ही में कपिल शर्मा ने बताया कि आखिर जीवन में उन्हें कॉमेडी से ज्यादा क्या पसंद है। पूरा किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि आज तक जीवन में जो कुछ भी मिला उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी पत्नी गिनी चतरथ से प्यार करता हूँ। कपिल कहते हैं, गिनी जालंधर की गर्ल्स कॉलेज में थी, वो मुझसे करीब 3 या 4 साल छोटी थी। मैं अपना पीजी डिप्लोमा कमर्शियल आर्ट्स में कर रहा था और मुझे पॉकेट मनी की बहुत जरूरत थी। मैं हमेशा से थिएटर्स में पार्टिसिपेट करता और दूसरे कॉलेज जाता। गिनी मेरी स्टूडेंट थी और काफी होशियार भी थी। गिनी स्किट्स में काफी अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। एक दिन, मुझे पता भी है कि वो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। मुझे आज भी याद है कि वो नई नई गाड़ियों से रोज कॉलेज आती और मैं अपने स्कूटर पे जाता था। कपिल ने आगे कहा, गिनी को मेरे से पहले प्यार हुआ, लेकिन मुझे हमेशा अपने क्लास डिफरेंस की वजह से डाउट्स थे कि कुछ भी हो सकता है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि गिनी मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी मुमकिन होगा, लेकिन भगवान बेहद अच्छा रहा और मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरी शादी गिनी से हुई। मुझे हमेशा से गिनी ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बहुत ही खराब फेज का सामना किया था तो मैंने लाइफ में सही दिशा अपनाई थी। गिनी संग शादी रचाई, जो कि मेरा पहला सही कदम था। आज मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे आज 2 बच्चे भी हैं। कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स स्पेशल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और ये शो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इसके अलावा कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो टीवी पर धमाल मचा रहा है, जिसमें कपिल शर्मा के इस वीकेंड में भोजपुरी स्टार निरहुआ, अमरपाली दुबे और रानी चटर्जी शिरकत करने वाले हैं। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।